मसीह यसु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे साथ मौजूद है हमारी गेस्ट स्पीकर प्रोफेसर शफीक कंवल। सर, मैं आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। ख़वातीन हज़रात, कलाम में लिखा है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाते हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आज की सारी बातचीत हम इज़हार सानी पर करेंगे। प्रोफेसर साहब, क्या मसीह यसु को पहले से मालूम था कि इज़हार सानी होगी? क्योंकि यसु मसीह फरमाते हैं, जब हरे दरख्त के साथ लोग ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्यों ना करेंगे? जी, मसीह यसु को बिल्कुल पता था कि जो मिशन उन्होंने शुरू किया है, परसिक्यूशन इसका पार्ट एंड पार्सल है। इंसान होते हुए हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो हमें भी ये अंदाज़ा होता है कि इसमें कोई मुश्किलात आ सकती हैं या इसमें आसानियाँ क्या हैं, पॉजिटिव बात क्या है, नेगेटिव क्या है। तो क्या हम सोच सकते हैं कि मसीह यसु जो आसमान से स्पेशली इस मिशन को फुलफ़िल करने के लिए आए, उनको अंदाज़ा नहीं था? उनको अंदाज़ा था। इवन खुदा जब इंसान को मुलाकात के लिए नीचे उतरा तो प्रॉब्लम पेश आया, बनी इसराइल कौम सब परेशान हो गई। अब खुदा जब इंसान बन के दुनिया में आया तो उसको प्रॉब्लम नहीं है? एक बहुत डिफ़िकल्ट ये मरहला था। इसलिए आप ये देखें कि मसीह यसु ने अपने शागिर्दों को वक्तन फ़क्तन ये आगाही बख्शी कि आने वाले दिनों में तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। खुद मसीह यसु को परेशानी का सामना था, मुखालफत का सामना था। और आपने बात दुरुस्त की कि जब हरे दरख्त के साथ लोग ऐसा करते हैं, सूखे के साथ क्यों ना करेंगे। आगे चल के वो कहते हैं, जब भेजने की बात है कि दुनिया में उनको भेज रहा हूँ, तो साथ ही ये भी बता दिया था कि देखो, गोया मैं तुमको भेज रहा हूँ भेड़ों को भेड़ियों के दरमियान। व्हाट अ डिफ़िकल्ट मिशन। अगर आप अंदाज़ा करें, एक भेड़ को तीन भेड़ियों के बीच में छोड़ दें, आधे पौने घंटे के बाद जाके आप देखें, हो सकता है ज़मीन पर आपको खून का एक कतरा नज़र आए और कुछ आपको नज़र नहीं आएगा। मसीह यसु ने ये बात शागिर्दों को बता दी थी कि ये हाल है। तो इस मिशन की सेंसिटिविटी को समझते हुए मेरे साथ चलना, बल्कि एक मौके पर तो ये भी कह दिया कि जो कोई मेरे पीछे चलना चाहे उसको अपनी स्लीव उठानी पड़ेगी। ये आपके लिए हो सकता आसान सी बात हो, लेकिन जिन लोगों से यसु मसीह मुखातब थे, जब खुद यसु मसीह की इंसानी तौर पर 12 साल की उम्र थी, तो यहूदी बागियों को 2000 लोगों को पकड़कर सड़कों के किनारे पर स्लीबें गाड़ के उनको एक ही दिन स्लीब दे दिया गया था। और वो कुछ दूर तक अपनी स्लीब अपने कंधे पर उठा के लाए थे। उन लोगों को जब यसु मसीह कह रहे थे कि तुम्हें अपनी स्लीब उठानी होगी, तो वो इसका मतलब बड़े अच्छे तरीके से समझते थे। फिर ये भी कहा कि देखो, मैं सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूँ। बाद लोग तो मसीहत पर एतराज़ भी करते हैं कि आपका मसीह तो देखे तलवार चलाने आया, आप कैसे कहते हैं अमन का बानी है? वो समझते नहीं। मसीह यसु उस मिशन की सेंसिटिविटी के बारे में, उस नेचर के बारे में बता रहे थे कि होगा क्या एग्जैक्टली। वो तलवार चलाने नहीं, ये फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल की, ड्रामस की बात थी कि एक ख़ानदान है वो गैर मसीही है, उसमें अगर बेटी क्रिश्चियन हो जाती है तो बाप उसके कत्ल करने के दर पे होगा, अगर भाई क्रिश्चियन हो जाता है तो बहन उसको मारने के चक्कर में होगी, माँ क्रिश्चियन हो जाती है तो बेटा उसको मार देगा। हम तो देख रहे हैं ऐसा हो रहा है, और दुनिया भर में ऐसा हो रहा है, मॉडर्न कंट्रीज़ के अंदर ऐसा हो रहा है कि कोई मसीहत को कबूल करता है उसको प्रोसिक्यूशन फेस करना पड़ती है। तो यसु मसीह ने वादे कह दिया था कि लोग तुमको तंग करेंगे, लोग तुमको कोड़े मारेंगे, लोग तुमको अदालतों में खींचेंगे। आपने जो टॉपिक शुरू किया, एक बात याद रखिएगा, बाज़ लोग प्रोसिक्यूशन का नाम सुन के परेशान हो जाते हैं। क्रिश्चियंस आर नॉट इम्यून टू प्रोसिक्यूशन, ये बात याद रखिएगा। हम इम्यून नहीं है, प्रोसिक्यूशन होगी। मसीह यसु ने एक तमसील बताई थी कि एक शख्स था, उसने चट्टान पर घर बनाया। अच्छा, एक शख्स था, उसने रेत पर घर बनाया। तो जो जब तूफान आया, आंधी आई, तो उसने टकरे मारी, तो जिसने रेत पर अपनी बुनियाद रखी हुई थी उसका घर मलियामेट हो गया, पानी में बह गया। इसी तरह जिसने चट्टान पर अपनी बुनियाद रखी थी,
तूफान आया, आंधियाँ आईं, उन्होंने टकरे मारी, लेकिन इस घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। क्रिश्चियंस को ये बात याद रखना चाहिए कि आंधियाँ और तूफान हमारी ज़िंदगी में भी आएंगे, हमें टकरे मारेंगे, हम हर वक्त परसिक्यूशन की और तूफानों की जद में हैं, इससे हम इम्यून नहीं हैं, लेकिन हमारा ईमान इतना मजबूत हो जाता है कि हम इस परसिक्यूशन से, इन तूफानों से घबराते नहीं हैं। बकौल ज़बूर नवीस कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। तो परसिक्यूशन है, इस गेम का हिस्सा है। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो परसिक्यूशन भी है। तो हमें अपने ईमान को मजबूत रखना है और अपने आप को पहले से ये सारी चीज़ें फेस करने के लिए अपने आप को इंतहाई मजबूत शख्स बनाना है। ठीक, क्या वजह है प्रोफेसर साहब कि लोग मसीहियों को तंग करते हैं? देखें, इसके लिए आपको मसीह की तालीमात पर जाना पड़ेगा। वैसे तो एक दुनियावी, आपको मैं दुनिया में रहते हुए आपको बता दूं कि लोग सच्चाई की मुखालफत करते हैं। एक शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, जो हर्फ़ हक है और जज्बों की सदा भी, उस हर्फ़ के लिखने पे मुकर्रर है सजा भी। जो शख्स भी सच बोलता है उसको परेशानी का, उसको प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ेगा। मसीह यसू ने एक बात उनको बता दी थी। अच्छा, दूसरी वजह कि आप रास्तबाजी के काम करते हैं। ये दुनिया रास्तबाजी को पसंद नहीं करती, ये दुनिया गुनाह की तरफ, गलत कामों की तरफ ज़्यादा रागब है। तो मसीह यसू ने यूहन्ना 7वें बाब की 7वीं आयत में ये बात बता दी थी कि दुनिया मुझसे इसलिए दावत रखती है क्योंकि मैं उन पर गवाही देता हूँ कि उनके काम बुरे हैं। आप मुझे ये बताएं कि यूहन्ना इस्तबागी ने भी यही काम किया था। उसने कहा कि तू अपने भाई की बीवी को रखता है, तेरे लिए जायज़ नहीं है। और ये बात वो कोई ख़त नहीं लिखता था उसको, या टेलीफोन नहीं करता था, चुपके से नहीं कहता था, डंके की चोट पर कहता था। तो उसकी गर्दन, आपको पता, इसी सच्चाई की वजह से कट गई थी। वो इत्तफाक से एक और शेर याद आ गया कि हम कल भी सरेदार सदाकत के अमी थे, हम आज भी इनकारे हकीकत ना करेंगे। तो इन इस सच्चाई की वजह से लोग आपकी मुखालफत करते हैं। अब आगे बात के हम जो क्रिश्चियन लोग हैं, हम तो उसी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा कोई अपना ज़ाती मिशन तो नहीं है, ये मसीह का मिशन है, ये शागिर्दों का मिशन है, ये खुदाई मिशन है। तो उसी सच्चाई को लेकर, उसी अंजील को लेकर जब हम जाते हैं, तो लोगों के जो ज़ाती नज़रियात हैं, उनके जो गोरख धंधे, उनके जो हथ कंडे हैं, अंजील उनके साथ मैच नहीं करती, इसलिए वो हमारी मुखालफत करते हैं, वो सच्चाई की मुखालफत करते हैं। लेकिन बहरहाल जो भी है, हम अपने मिशन को जारी रखेंगे। और मसीह ने चूँकि अपने मिशन को जारी रखा था, शागिर्दों ने अपने मिशन को जारी रखा, और तारीख हमें बताती है कि क्रिश्चियन ने इस मिशन को परसिक्यूशन के तमाम मुश्किलात के बावजूद जारी रखा। तो हमें भी इससे डर खौफ नहीं होना चाहिए, हमें इस मिशन को जारी रखना है परसिक्यूशन के बावजूद। ठीक है प्रोफेसर साहब, क्या मसीह यसू शागिर्दों को तैयार कर रहे थे उस परसिक्यूशन के लिए? एग्जैक्टली, मैंने शुरू में अर्ज़ किया ना कि मसीह यसू अपने मिशन से वाकफ थे और उनको अपने मिशन की तफसीलात का, जुज़ियात का पहले से अंदाज़ा था क्या होने वाला, और ज़रूरी था कि अपने शागिर्दों को भी इससे आगाह किया जाए। मैं मसीह यसू से बहुत सारी बातों की वजह से मुतासर हूँ। अब जो आपने सवाल किया कि मसीह यसू वाकफ़ थे, उनको तैयार कर रहे थे, जी, मसीह यसू ने अपने शागिर्दों को सब्ज बाग नहीं दिखाया कि शाबाश मेरे पीछे आओ, हज़ार हज़ार गज़ का प्लाट दूंगा और जिस खूबसूरत लड़की पर हाथ रखोगे वो तुम्हारी हो जाएगी, और जब जन्नत में जाओगे तो आपको जनाब 20-20 खूबसूरत वर्जन्स लड़कियां भी दे दूंगा, शराब जितनी चाहोगे मिल जाएगी, अच्छा, और मर्सिडीज़ गाड़ी एक एक ले दूंगा और बैंक में पैसे भी डलवा दूंगा। मसीह यसू ने ऐसा कोई सब्ज़ बाग दिखाया नहीं, बल्कि इसके बरक्स मसीह यसू उनको ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे थे कि जो काम आपने करना है, इसमें मुसीबत, परेशानी, दुख, तकलीफ़, अजियत,
ये इस गेम का हिस्सा है। तो जब आने वाले वक्त में मसीह यसू के चले जाने के बाद परसिक्यूशन शुरू हो गई, तो ये शागिर्दों के लिए कोई अजीब बात नहीं थी। अचानक से ये क़यामत नहीं टूटी कि वो कहते लो जी सर मुंडाते ही औले पड़े, अभी तो हमने शागिर्दी शुरू ही की है तो ये हमारे लिए परसिक्यूशन शुरू हो गई, ये देखो जी स्टिफनेस को कत्ल कर दिया गया, संसार कर दिया गया, देखो जी इन शागिर्दों को कोड़े लग गए। ओ भाई ये हमारा कैसा उस्ताद था, हमें ये बताया ही नहीं कि ये भी होगा, हम तो अच्छा अच्छा ही देख के आए थे, सब सावन के अंधे को हरा दिखाई देता सो हमें तो सारा हरा दिखाई दे रहा था, ये क्या हो गया। किसी शागिर्द ने यह नहीं कहा, क्योंकि आप तारीख का मुतालिया करें, माल की किताब में लिखा है कि जब शागिर्दों को कोड़े मारे तो बाहर निकल के उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस बात की खुशी मनाई, उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ, खुशी मनाई कि हम खुदा के, हम मसीह के नाम की खातर कोड़े खाने के लायक तो ठहरे, और मुनादी को उन्होंने कंटिन्यू रखा। ये मसीह यसू की इस मार्फत का और इस समझे कि स्ट्रेटेजी का ही नतीजा था कि पतरस को जब कहा कि हम तुझे स्लीप देना चाह रहे हैं, तो उसने कहा एक मिनट रुके, मुझे सीधा स्लीप ना दें, मुझे उल्टा स्लीप दें। तो आप ये देखें कि ये लोग कहाँ से इतनी जुर्रत इन्होंने हासिल कर ली, ये कोई स्टील के बने हुए नहीं थे, ये टर्मिनेटर किस्म के इंसान नहीं थे, ये जीते जागते गोश्त पोस्त के इंसान थे, हमारी तरह के इंसान थे, हमारी तरह की स्किन थी, हमारे हम तबीयत थे। लेकिन मसीह यसू ने उनके दिमाग में, उनके जिस्म में जुर्रत और ईमान भर दिया था, इसलिए वो डरते नहीं थे। उन शागिर्दों की सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि ये मौत से, किसी सजा से, किसी प्रोसिक्यूशन से डरते नहीं थे, क्योंकि मसीह यसू ने उनको जहनी तौर पर तैयार कर दिया था। ठीक है प्रोफेसर साहब, मौजूदा दौर का जिक्र करूंगी। आजकल जिस तरह से मिडिल ईस्ट में आइसिस के बारे में बहुत सी खबरें टीवी पर नजर आ रही हैं, वो मसीहों पर क्या क्या जुल्म ढा रहे हैं, सलीबें दी जा रही हैं, मसीहों के सर कलम किए जा रहे हैं। एक तो मैंने इंटरनेट पे न्यूज़ देखी कि एक मसीही के मुंह में सलीब ठोक दी गई, तो आप इस बात पर रोशनी डालेंगे कि तारीख में लोगों ने मसीहों पर क्या क्या मजालिम ढाए। जो आपने आइसिस की बात की कि उन्होंने क्रिश्चियंस पर क्या क्या जुल्म रवा रखे, जो आपने बातें बताई ये भी बड़ी खतरनाक बातें हैं। एक छोटी बच्ची का गला काट दिया, हार्डली 3-3.5 साल की बच्ची होगी, मैंने देखा उसका गला काट दिया, और एक छोटा बच्चा मेल है, वो बच्चा 6-7 बंदूकें उसके सर पे तानी हुई हैं। तो बात सही है, आपने शुरू में कहा था कि क्रिश्चियनिटी की तारीख जो है वो प्रोसिक्यूशन से इबारत है, इसमें कोई शक नहीं। मसीहत जब शुरू हुई थी, बल्कि मसीहत शुरू होने से पहले मसीह यसू जो क्रिश्चियनिटी के मूजद हैं, समझे कि क्रिश्चियनिटी जहाँ से शुरू हुई उन पे प्रोसिक्यूशन की लोगों ने बड़ी प्रैक्टिस की, उनको तख्ता मश्क बनाया, उनके साथ कौन सा जुल्म रवानी रखा, उनके सर पे कांटों का ताज डाल दिया, भारी स्लीप कंधे पर रख दी और कहा उठा के चलो, और फिर उनको कोड़े मारे गए और पसली में नेजा मार दिया गया, कील ठोंक दिए गए, जैसे में पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया। आपका सवाल ये है कि तारीख में मसीहियों के साथ क्या हुआ। पहली 3 सदियों में जब हम देखते हैं तो क्रिश्चियंस के साथ क्या करते थे, स्टिफनेस को संसार कर दिया गया सिर्फ मसीही होने की वजह से, गर्दनें काट देते थे, नेजे मार देते थे, तेल के कड़ा गर्म करके उन खौलते हुए कड़ाहों में उनमें क्रिश्चियंस को डाल दिया जाता था, भूखे शेरों के आगे डाल दिया जाता था, और जो स्टेडियम गेम्स के लिए बने थे वहाँ पर क्रिश्चियंस की गेम करवाई जाती थी एंटरटेनमेंट के लिए, कि भूखे शेर को उनको छोड़ा और मसीहियों को छोड़ दिया। बाज़ अवकात पेरेंट्स को छोड़ देते थे, बच्चों को कहते थे देखो, और बाज़ अवकात बच्चों को शेरों को आगे ढाल के तो पेरेंट्स को कहते थे कि देखें आप, बसा औकात आरे से चीट देते थे, संसार कर देते थे। और ये जो
ताल कोर है, लुक जिसको आप कहते हैं, गर्म करके ये जिस्म के ऊपर डाल देते थे तो ये एक जैकेट जैसी बन जाती थी और बाद में आग लगा देते थे। आप ये देखें कि आप उसको उतार नहीं सकते, उतारेंगे तो स्किन साथ आएगी, ऊपर से आग लगी हुई है। तो ये क्रिश्चियंस को ये सब कुछ देखना पड़ा, बहुत ज्यादती हुई। लेकिन बहरहाल लोगों की जो गलत फहमी थी कि वो क्रिश्चियंस को ऐसे जुल्म करके क्रिश्चियनिटी को ख़त्म कर देंगे, इसमें कामयाबी नहीं हुई। अच्छा प्रोफेसर साहब, मैं तो ये समझती रही कि मुखालफीन मसीहियों को ख़त्म करना चाहते हैं, क्या ऐसा ही है? जी, प्रोसिक्यूशन यही है, इसीलिए करते हैं। गमलियेल ने भी कहा था कि भाई ये खुद ही ख़त्म हो जाएंगे, आपको अपने हाथ खून से रंग रहे यहूदियों को, इसने मशवरा दिया। बहरहाल उनके जेन में ये थी कि इस तहरीक को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अच्छा, जब भी उन्होंने ऐसा किया तो ख़त्म नहीं कर सके। टर्टुलियन चर्च फादर है, वो ये कहता है कि जो शहीद का खून है वो कलीसिया की बुनियाद है, ख़त्म नहीं हुई कलीसिया, वो बल्कि बुनियाद, वो जो आप खून गिराते हैं मसीहियों का, उससे कलीसिया वजूद में आ जाती है। स्टिफनेस को कत्ल किया, उससे पौलूस वजूद में आ गया। तो एक कबीले का सरदार था, उसको जब पता चला कि एक मिशनरी ख़ानदान तबलीग कर रहा, तो उसने सबको पकड़ लिया, तीर अंदाजों को कहा कि मारो इनको तीर। पहले बच्चे को मारा, उनके दो तीन बच्चे जो थे उनको मारा, और माँ बाप को कहा कि मसीह का इनकार करो, उनका मसीह का इनकार नहीं करेंगे, जिस रास्ते पर चले हैं ये नहीं हो सकता, नो टर्निंग बैक। उसके बाद उसने कबीले के सरदार ने कहा कि इसकी बीवी को तीर मारो, बीवी को भी छलनी कर दिया, वो भी मर गई, उसने कहा नो टर्निंग बैक। फिर उन्होंने उसको भी कत्ल कर दिया तीर मार के। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये सैड न्यूज़ है, लेकिन नहीं, इसका पॉजिटिव पहलू ये है कि वो कबीले का सरदार भी और तीर अंदाज सारे के सारे क्रिश्चियन हो गए। ऐसी बीसियों मसाले मैं आपको बता सकता हूँ कि उन्होंने उनको ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन वो ख़त्म नहीं। आज भी अगर दुनिया या कोई शख्स ये समझता है कि, या आईसिस ही ये समझती है कि क्रिश्चियनिटी को हम जुल्म से ख़त्म कर देंगे, कत्ल करके ख़त्म कर देंगे, तो ये उसकी गलत फहमी है। मसीह यस्सु के अल्फाज हैं कि कलीसिया पर आलम अरवा के दरवाजे गालब नहीं आ सकते, तो लोग कत्ल करके नहीं इसको ख़त्म कर सकते। ठीक है प्रोफेसर साहब, खुदा ऐसा क्यों होने देता है? ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि क्रिश्चियन तो खुदा के बड़े नज़दीक होते हैं, उनका बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है, वो मसीह को प्यार करते, उस पर ईमान लेते, फिर ऐसा क्यों होता है? देखें, प्रोसिक्यूशन खुदा देख रहा होता है, सब कुछ देख रहा होता है। मैं आपको इसकी ये मिसाल देता हूँ, एक टी बैग है, उसको आप गर्म पानी में डालें वैसे वो वाइट होता है, लेकिन जब गर्म पानी में डालते हैं उसका कलर बाहर आ जाता है। प्रोसिक्यूशन एक ऐसा अमल है कि जिससे क्रिश्चियंस का फेथ चेक होता है। प्रोसिक्यूशन के दौरान आपका पता चलता है कि आप ट्रू बिलीवर हैं या आप किराए के हैं, तो पता चल जाता है कि अगर आपका ईमान बहुत मजबूत है तो कैसे भी हालात हों आप मसीह का इनकार नहीं करेंगे। और गवाही देनी है हमने, इसलिए बाज़कात प्रोसिक्यूशन में भी हम गवाही देते हैं। अभी मैंने आपको मिसाल दी कबीले के सरदार दी, तो ये उन्होंने अपना खून का नजराना पेश करके गवाही दी थी और वो क्रिश्चियन हो गए। बीसियों ऐसी मिसालें हैं। चाइना के अंदर एक शख्स बाइबल लेके जा रहा था, दरिया क्रॉस कर रहा था, उन्होंने रोका, दो फौजियों ने, वो नहीं रुका, वो किनारे के करीब पहुँच गया, उसको शूट कर दिया, तो उसने बाइबल फेंक दी, मरते मरते भी उसने बाइबल किनारे पर फेंक दी। उन्होंने कहा देखो तो सही कि इसने अपनी जान की परवाह नहीं की है क्या। जब उन्होंने बाइबल पढ़ी, दे बिकेम क्रिश्चियन। तो बाज़कात प्रोसिक्यूशन की वजह से लोगों की मौत तो वाकया हुई, शहादत तो नसीब हुई, लेकिन उस गवाही की वजह से क्रिश्चियनिटी आगे बढ़ी। तो गवाही देना मुश्किल काम है, लेकिन खुदा इस तरीके से भी इसको होने देता है कि एक तो ईमान चेक हो और एक ये गवाही का काम है। एक शायर कहता है कि अमर हयात की आगोश में पहुंचने तक सलीबोदार के भी मरहले ज़रूरी हैं। तो हमारी जो क्रिश्चियन लाइफ है इसमें सलीबोदार के मरहले ज़रूरी हैं। ठीक है प्रोफेसर साहब, क्या इजहार सानी से
دشمن کو اپنے مطلوبہ نتائج حاصل ہو جاتے ہیں؟ نیور. میں نے شروع میں بتایا نا کہ دشمن کی یہ مرضی ہے کہ کرسچنز کو صفائی ہستی سے مٹا دیا جائے. آج بھی ہر جگہ پہ جہاں جہاں کرسچن موجود ہیں, جو مخالفین ہیں, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کرسچنز کو صفائی ہستی سے مٹا دیا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو قتل کرنے سے میں اس کو ختم کر دوں گا, تو ٹرٹولین کے الفاظ میں کہ ان کی تعداد اور بڑھ جاتی ہے. شہید کا خون تو کلیسیا کی بنیاد ہوتا ہے. بعض ماہی گیر سمندر پر جب جاتے تھے تو ان کے جالوں میں مچھلیوں کے ساتھ سٹار فش بھی بہت ساری آ جاتی تھی. وہ کیا کرتے تھے, مچھلیاں پکڑ لیں, ان سٹار فشز کو الگ کر کے, تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کا قیمہ کر کے, تو ادھر ہی پھینک کے آ جاتے تھے. اپنی طرف سے وہ ان سٹار فش کو ختم کر رہے تھے, لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ جو جتنے بھی پیس تھے وہ سب کی سب الگ سے سٹار فش بن جاتی تھی. تو آپ ان کی تعداد بڑھا رہے تھے. صحیح. میں بعض اوقات کہتا ہوں کہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں, کاش کہ ادھر بھی پرسیکیوشن ہو جائے, کچھ لوگ قتل ہوں, کچھ لوگ شہید ہوں. تو جب شہید ہوں گے تو کلیسیا کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوگا, کلیسیا کی تعداد بڑھے گی. لوگ بہت کیا کہتے ہیں کہ کمفرٹ زون میں رہنا پسند کرتے ہیں, لیکن کرسچن فیتھ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ نے گواہی دینی ہے, اور مصیبت پریشانی میں بھی آپ نے گواہی دینی ہے. تو آج اس ساری پرسیکیوشن کے باوجود, 4.5 کروڑ شہیدوں کے باوجود, سٹیفنس سے شروع کریں تو آج تک 4.5 کروڑ شہید ہو چکے ہیں. اور یہ ڈیٹا اس وقت ہے جب ابھی داعش نے پریکٹس شروع نہیں کی تھی. اس پریکٹس میں جو کرسچن شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد اور بھی بڑھ گئی ہے. لیکن کرسچینٹی تو ختم نہیں ہوئی. آج بھی دنیا کا 3 ارب حصہ جو ہے دے آر کرسچن, یعنی تمام مذاہب سے زیادہ تعداد کرسچن کی ہے. تو کرسچن کی تعداد بڑی ہے, بڑھے گی. پرسیکیوشن سے نہیں کوئی اس کو ختم کر سکتا. خواتین حضرات, پروفیسر صاحب نے اپنی اسپیچ میں بیان کیا کہ کرسچنز آر ناٹ امیون ٹو پرسیکیوشن, بلکہ وہ ایمان میں اتنے مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں کہ پرسیکیوشن کو بھی ہنس کر سہ لیتے ہیں اور سونے سے کندن بن جاتے ہیں. پروفیسر صاحب, اسی ٹاپک کی مناسبت سے مجھے بھی ایک شعر یاد آ گیا ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی بول دوں. تم نے چھو کر اسے ہیرے میں بدل ڈالا ہے, میں تو لایا تھا کہ پتھر کو نوالا کرتے. زبردست. امید ہے خواتین و حضرات کے اس پروگرام کے وسیلہ سے آج آپ نے برکت پائی ہوگی. اپنی آراء اور فیڈ بیک ہمیں ارسال کرتے رہیے گا. ہمارا کانٹیکٹ نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا. سچ بولیے, سچ کھوجئے, سچ کو سننے کی ہمت اپنے اندر پیدا کیجئے. اسی کے ساتھ ساتھ جیسیکا سلویسٹر, پروفیسر شفیق کمل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.